यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारे बैंगन लग रहे हैं, गुच्छों में लग रहे हैं। ये देखिए बैंगन अच्छे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। और सारे लग रहे हैं, हरे, पर्पल, वाइट, वाइट भी लग रहे हैं वाइट। और ये देखिए इस तरफ भी। आज मैं तोड़ूंगी बैंगन। आज मैं बैंगन तोड़ूंगी, बट ऐसे तोड़ के ले जाऊंगी। आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे इतने सारे लगे हुए हैं हमारे बैंगन। इसमें भी लगना शुरू हो गया, ये भी नया वाला पौधा था, अब बढ़ गया। लगेंगे इसमें भी। और यहाँ देखिए हमारा जो क्या होता है उसको, रुई वाला प्लांट, तो इसमें भी ये कुछ लड्डू सा बन गया है, गोल गोल सा। मुझे ना ये जो मैं सब्जियां लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यही सब्जियां खाती हूँ, यही बनाती हूँ। सब्जी तो हमारे घर में दो टाइम तीन टाइम बनती ही है, बट जो अपने घर की सब्जी होती है ना, वो अगर लग जाए ना, उसमें से हमें एक भी कुछ फल मिल जाए ना, मुझे एक भी बैंगन मिल जाए ना, मुझे वो भी बहुत खुशी देता है। तो ये वाला जो है, ये सफ़ेद बैंगन का है, इसमें भी बैंगन लग गए हैं सफ़ेद वाले। इसमें बहुत सारे बैंगन लग गए हैं, ये देखिए ये सफ़ेद बैंगन है इसमें। ये देखिए यहाँ काफ़ी लग रहे हैं इसमें भी, और लग भी रहे हैं, अभी निकल भी रहे हैं फूल। मतलब पहले मैंने सोचा था पता नहीं इसमें लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बट लग ही गए। और ये हमारा कड़ी पत्ता, इसमें छोटा सा लग गया, ये देखिए कितना बड़ा हो गया मेरा कड़ी पत्ता का प्लांट। और यहाँ हमारे करेले भी लग रहे हैं, ये देखिए ऊपर तक करेले लग रहे हैं। करेले मैं ले भी गई थी नीचे तोड़ करके ना, करेले मैं ले गई थी। ये हमारी हल्दी का, इस बार मैंने हल्दी लगाई नहीं थी, ये पिछली हल्दी कोई है जो लग गई है, वापस रह गई होगी हल्दी की गांठ उसमें। और ये हमारा फलियां, जो फ्रॉसबीन होती है उसका प्लांट है, इसमें फ्रॉसबीन लग रही हैं। देखिए यहाँ फ्रॉसबीन लग गई है, अब। और यहाँ देखिए हमारी लौकी लटक रही है, तीन चार लौकी है यहाँ पर लगी हुई बीच बीच में। और यहाँ मेरे नींबू दोबारा से लगने शुरू हो गए हैं, ये हमारे सर्दियों वाले नींबू हैं, देखिए बहुत सारे लगे हैं, उस तरफ भी लगे हैं और लग भी रहे हैं बीच बीच में, छोटे छोटे से भी लग रहे हैं बीच बीच में से। ओह, आजकल मैं वीडियो कम ही बनाऊंगी। यहाँ देखिए छल्ली निकल आई हमारी, और यहाँ जो तोरी है ना, अभी इसमें तोरियाँ लगनी शुरू नहीं हुई, फूल ही पड़े जा रहे हैं। और यहाँ भी छल्लियाँ हैं, छल्ली खा लो भी जितनी खानी है। यहाँ भिंडियाँ लग रही हैं, यहाँ जो है ना हमारे तोरी पे फूल लग रहे हैं, बट अभी तोरियाँ लगनी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इस पर मेल फ्लावर ही आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर नहीं आया कोई भी। ऐसा ही होता है, पहले एक एक फ्लावर आते हैं, फिर धीरे धीरे करके सारे फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ हैं हमारी छल्लियाँ, हाँ देखिए, और इस तरफ भी है, यहाँ टाइसन आया है। और यहाँ देखिए छल्ली गिलहरी खा भी गई है, देखिए गिलहरी खा गई, और गिलहरी खा गई गिलहरी। और ये देखिए, और यहाँ हमारा इसमें फूल पड़ने शुरू हो गए कपास में,
कपास का पौधा तो मैंने लगाया है अभी मेरी मेहनत से, क्योंकि जहाँ मैंने पूरी छत की सफाई की थी और जहाँ मनी प्लांट है ना वो हुआ पड़ा है। ये कर गई थी गिलहरी, इसका भी कांड और इसमें भी काफ़ी सारा फूल आए हुए हैं। देखो ये एक छोटी सी छल्ली अब निकल रही है, इनका कोई टाइम ही नहीं निकलने का, अपनी मर्जी से आती रहती है ना। ऐसा चलिए मैं तोड़ लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आपको क्या क्या निकला। यहाँ देखिए जी, ये वाला मैं फ्लावर बताती हूँ, मुझे ये मतलब फ्लावर नहीं, ये वाला प्लांट है मुझे बहुत पसंद है। आप इसका नाम बताना, इसका नाम क्या है। ये बहुत अच्छे अच्छे ऐसे सुंदर सुंदर से ये जो है ना पत्ते, इनके ऊपर और लीफ लग जाते हैं, पूरा भर जाता है। तो ये नीचे ऐसे ही हमारे बेबी प्लांट्स बन रहे हैं इसके। तो ये भी एक कपास का फ्लावर है। देखिए पहले इसमें सफ़ेद फूल आता है, पहले सफ़ेद होता है, फिर दूसरे में बताती हूँ। तो यहाँ देखिए बाद में ये पिंक बन जाता है ना, कितना अच्छा लग रहा है। सारी मिर्चियाँ निकाल ली हैं, कुछ कुछ रह गई हैं जो छोटी छोटी थी। यहाँ देखिए छोटी छोटी रह गई हैं, बड़ी बड़ी वाली मैंने निकाल रही है, जो लाल हो रही थी ना वो मैंने निकाल रही है ना, लाल नहीं होने देने। तो ऐसे मिर्ची बहुत तीखी है, ये बहुत ज़्यादा तीखी है। इसके नीचे भी ये ना मिर्ची के प्लांट है, बड़े हो जाएंगे तो और भी मिर्चियाँ मिल जाएंगी विंटर में। तो यहाँ देखिए मेरा इसमें सफ़ेद फ्लावर खिल गया, उसमें ऑरेंज खिले हुए हैं, उसमें वो देखिए लाल वाले खिले हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, ऑरेंज वाइट और रेड। तो छोटे छोटे जो थे ना बैंगन मैंने रहने दिए हैं, वहाँ जो बड़े बड़े थे ना तो वो मैं ले आई हूँ, पर्पल वाले दो ही थे तो मैंने निकाला नहीं। हमारे मिस्त्री भी आने वाले हैं। यहाँ एलोवेरा, यहाँ मैंने अपने ना जो नीचे वाले प्लांट है ना कुछ यहाँ बाथरूम की छत पे चढ़ा देंगे। अब काम होगा तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमारे नुकसान तो होना ही है, तो बस मिस्त्री आने वाले हैं हमारे। तो यहाँ देखिए कितनी सब्ज़ी निकली, एक लौकी निकल गई, तीन टमाटर निकले और बैंगन निकले। ये ना मेरी एक बेल थी जहाँ मेरे लगे हुए हैं छत पे, वो ना अपने आप ही लग गई, तो उसमें ये छोटे छोटे से करेले निकले हैं। ये देखिए कोई कोई इतना बड़ा है, कोई कोई ऐसा है। तो ये मैं फिर निकाल के ले आई, मैं कहा तवे पे बना लूँगी। और ये मेरे निकले हैं बैंगन, दो मैं भिंडी ले आई, धोई, दो ही निकली भिंडी तो बैंगन निकल गई। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये हमारा सफ़ेद वाला बैंगन जो पहली पहली बार इसमें पहला फल आया है। तो बाकी दो छोटे छोटे थे वो मैं लेके नहीं आई। तो देखिए कुछ मिर्ची थी, मिर्ची ले आई हूँ मैं, है ना। तो देखिए ऐसे हमारे घर में सब्जियाँ हमारी लग जाती हैं। आप पा सकते हैं अपने घर में ऐसी ढेरों सब्जियाँ, अपने घर पे सब्जियों के पौधे लगा के। तो चलो ठीक है, वीडियो का करते हैं एंड।